हाय एवरीवन, फिर से एक नई ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पिछले वाला ब्लॉग आप लोग देखे लिए कि मम्मी का अचानक से देहांत हो गया और उसमें हम पूर्ण तरह से ब्लॉग नहीं दे पाए थे, इसलिए अभी एक अपडेट दे रहे थे कि वो कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ था, वो तो बाद में ब्लॉग आएगा। बट आज है माँ का दूसरा दिन और अभी इधर एक दीदी है साथ में, इधर आदर्श रहे जिया जी रहे, इधर रही बड़ी की दीदी। मगर अभी हम तुरंत खाना खा के उठे हैं और ये था नाइट का खाना, क्योंकि सुबह शाम दो टाइम खाना भी देना पड़ता है। और इधर छोटी जिया जी अभी ये भी खाना खा के उठ गए हैं और उनका अग्नि संस्कार अग्नि मुँह हम ही दिए थे, जो कि अचानक से मिल गया था। कुछ न्यू जो हम नहीं थे घर में उस टाइम, हम गए हुए थे स्कूल के ही काम से बिहार से। तो ये सब सारा वीडियो देंगे आप लोग को, बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। बस अभी आदर्श भी मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ आदर्श, नानी कहाँ है? और दोस्तों, काफ़ी दुख का बात है कि आप लोग को इतना बता भी ना पाए और इसलिए वीडियो के माध्यम से बताते रहे। बाकी बात, जितने भी दोस्त सब आए थे मेरे जो करीब थे, सबको थैंक यू, जो कि हमको बहुत ही अच्छे तरह से संभावना दिए थे। और सबको तो एक एक करके नहीं बोल सकते हैं, बाकी बात सबको वीडियो के माध्यम से बताते रहे हैं। और तो चलिए, बाकी बात अभी यदि लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और दोस्तों, कल है 3 है माँ का, तो कल क्या क्या कार्यक्रम होगा सारा कुछ भी दिखाएंगे आप लोग को। बाकी बात, बहुत दुख हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि शायद भगवान को मेरा ये दुख रहा नहीं गया ये सुख, जबकि आज से 8 साल पहले मेरे जो पापा गुजर गए थे और आज से 2 दिन पहले मेरी माँ भी गुजर गई। तो शायद अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हम अकेला भी हो चुके हैं। तो बस आप लोग का ऐसा ही प्यार, बाकी बस देखते हैं इन फ्यूचर अब क्या होता है। और कल है 3, तो कल ही ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। काफ़ी दुख का बात है और काफ़ी लोग कॉल करके भी बोल रहे हैं कि टेंशन नहीं लेना है। बाकी अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी मेरे जो बड़े वाले जिया जी, छोटे वाले जिया जी, ये सब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ काम गार वही सब कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कुछ है भी नहीं कि हम कुछ कर सकें, सारा कुछ अभी जिया जी ही कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, कल मॉर्निंग में करेंगे वीडियो को कंटिन्यू। एक आश्चर्य वाली बात है, देखिए अभी मेरे जो आंगन में है ना, अभी बरसात हुआ था और देखिए यहाँ पे मछली, अभी सभी के आंगन में मछली आ गया। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, जबकि पानी का स्रोत कहीं पे भी नहीं है, फिर भी आंगन में मछली आ गया। और सभी को है सो अभी यहाँ पे खोज भी रहा। बहुत मछली पिताजी आपने, और आपने आप मछली है पहले हमें देख लिये, सबसे शुरू हो जगह खाना खा लिया, देखो ये पूरा मछली ना, उधर से कुछ ना है ना, जिधर हम लगाए ना पेड़ों में उधर कहीं पानी नहीं है, केवल यहीं पे मछली है ना। और इधर सभी को, और देखिए इधर, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ अरे तो हमने तो पनिया इधर तब मछलियाँ हैं।
पनिया हूने पूरा सूखल है पनिया कैसे निकला से ना उतर हम उठा ना बोल रहे पनिया जो डबा कहाँ निकल सुनिए ना सुखले में उछल सिंपल के पास जिधर हम पेड़ भी लगाए उधर भी जाके देखिए तो होना चाहिए तो उधर भी होगा तो इतना थोड़ी उछल अब तुम लीजिए गाजर लेकिन लाइफ प्रूफ उठाइए उठाइए। ये तो बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि अचानक से आंगन पे मछली और ये मतलब सबसे पहले मेरी छोटी ही दीदी देखी जबकि कभी आज तक इतना दिन से रहा लेकिन कभी मछली नहीं आया तो भैया लोग इन सभी को कुआं में डुबा दे रहे हैं तो हम भी सोचे कि आप लोग को दिखा देते हैं एक बार कि क्या हो रहा है ये हमको भी इसने लग रहा है सोनू भैया तो इसमें आपको क्या कहना है कि मछली अचानक जब घर में देखे तो देखे तो आश्चर्यजनक हो गया कि घर में इतना कभी नहीं सा देखे थे हम लोग घर में मछली आते हुए अचानक देखते हैं यहाँ पे अभी बहुत है और डुबा दे दिए हैं 40-50 को पकड़ के और इधर नली बगल में नली तरफ से भी आ रहा है और इधर बच्चे लोग भी जो कि आदर्श अचानक आप मछली देखे तो आपको क्या लगा तो सभी को अभी ये बहुत सोचने वाली बात है चलिए इसको बैठ के थोड़ा सा मुआयना करेंगे क्या बात है तो दोस्तों अभी ये मॉर्निंग का टाइम और अभी भी सुबह को उठ गए हैं और आज है 3 बटवा जी लोग इधर सोए हुए हैं तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बाकी बाद काफ़ी लोग रात में बताएं कि मम्मी है जो मछली के रूप में आई है इस टाइप से बहुत तरह से बात निकल गया था रात में तो चलिए कोई बात नहीं है बाकी बात जो भी है आप लोग को दिखा दिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।